हिंदी बिंदी भाल की उर्दू कुंडल केश, ये दोनों जब ही सजें सुंदर दिखे ये देश। ये नीरज का एक दोहा था, और जैसे गज़ल के बारे में अभी हिना ने विस्तार से बताया, गज़ल के अलावा दोहा भी एक वो फॉर्मेट रहा है जो लंबे समय से, सदियों से, एक दो तीन साल का लंबा सफ़र तय करते हुए आज भी उतना ही मकबूल है। दोहे के अलावा और भी फॉर्मेट थे अपनी बातें कहने के, जैसे सोठा था, रोलियाँ चपाया चौपाया, कुंडली थी, चौपाई थी, पर दोहे में कुछ ऐसा जादू रहा है गज़ल की तरह कि दो लाइनों में ही आपको जादू कह दे रहा था सडनली आपने। जैसे नीरज कहते हैं, गागर में सागर भरे, गागर में सागर भरे, मुंदरी में नवरत्न, मुंदरी मीन्स अंगूठी, गागर में सागर भरे, मुंदरी में नवरत्न, अगर न दोहा ये करे है सब व्यर्थ प्रयत्न। दोहा वर है और है, दोहा वर है और है, कविता वधू कुलीन, जब इसकी भावर पड़ी जन्मे अर्थ नवीन। तो फॉर्मेट जो है इसके जब खूबसूरती को कभी पता बढ़ाते रहता है। अच्छा, एक तो जो ये लंबे समय तक चल पाया, मुझे इसका शायद एक रीज़न ये भी लगता है कि इन्होंने लगातार समय के साथ खुद को ढाला चला गया है, लगातार कुछ नए नए, जैसे उर्दू पोएट्री है वो शराब शबाब से बढ़ के एक वो रिवोल्यूशनरी, आज़ादी के दौर में रिवोल्यूशनरी टेवर लेकर के भी आई है। उसी तरह से जैसे दोहा है, दोहा में बल्कि आज की तारीख में मैं देख रहा था हुल्लड़ मुरादाबादी ने तो 700 दोहे लिख करके पूरी किताब लिख डाली सत्सई नाम से। तो दोहा व्यंग में भी खूब चला है और बाकी जो उसके फिलोसॉफिकल टोन है उसमें तो है ही। जैसे और इसको जैसे नीरज ने के बश में बोलूँ मैं, जीवन पीछे को नहीं आगे बढ़ता जाए, जीवन पीछे को नहीं आगे बढ़ता नित्य, नहीं पुरातन से कभी नया सजे नया साहित्य। तो नया कुछ भी लगातार ऐड जो कर रहे हैं वही इसको जीवित रखता है। जैसे जैसे दोहे के फॉर्मेट में व्यंग का तड़का, ये नीरज ने भी यूज़ किया है। अब दो तीन जगह कुछ दोहे आपको बताता हूँ। अद्भुत इस गणतंत्र के अद्भुत हैं षड्यंत्र, अद्भुत इस गणतंत्र के अद्भुत है षड्यंत्र, संत पड़े हैं जेल में डाकू फिरे स्वतंत्र। राजनीति शतरंज है, राजनीति शतरंज है, विजय यहाँ वो पाए, राजा फंसता जब दिखे पैदल ले पिटवाए। राम काज में राम राज में इस कदर, राम राज में इस कदर, फैली लूटम लूट, दाम बुराई के बड़े सच्चाई पर छूट। किया जाए नेता यही अच्छा वही शुमार, सच कहकर जो झूठ को देता गले उतार। अमेरिका में, अब ये हम कॉमर्स के बारे में, अमेरिका में मिल गया जब से उन्हें प्रवेश, उनको भाता नहीं है तब से भारत देश। और एक है जो फ्लैट्स में रहने वालों के लिए है, जब कम हो घर में जगह, ये हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। जब कम हो घर में जगह हो कम ही सामान, जब कम हो घर में जगह हो कम ही सामान, उचित नहीं तब जोड़ना तब ज्यादा मेहमान। शायद नीरज क्या उन दोनों मेहमानदारी बढ़ गई होगी तो इसलिए उनको ऐसा लग रहा होगा। कागज की एक नाव पर, अब बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में रहने वाले बाशिंदा कह रहे हैं, कागज की एक नाव पर मैं हूं आज सवार, और इसी से है मुझे करना सागर पार। अच्छा, नीरज के दोहे में मुझे एक बात लगी, जब दोहे दो लाइन के जरूर है पर चार टुकड़ों में होते हैं, 13 की मात्रा 11 की मात्रा, 13 मात्रा 11 मात्रा, उसका यूँ फॉर्मेट चलता है। और नीरज मैंने देखा हर बार वो दूसरे जिसकी लाइन है दूसरी पंक्ति के अंत में वो पंच देते हैं अपना एक, जैसे इसी में था, कागज की नाव पर मैं हूँ आज सवार और इसी से है मुझे, अब आगे के लिए नहीं हो रहा, करना सागर पार, सडनली वो एकदम बात कह देते हैं। जीवन का रास्ता पथिक सीधा सरल न जान, जीवन का रास्ता पथिक सीधा सरल न जान, बहुत बार होते गलत मंजिल के अनुमान। मंजिल वो नहीं होती जो हम समझ रहे होते हैं कई बार। हम कितना जीवित रहे, हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमरत्व। हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमरत्व। जीने को हमको मिले, जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, जिए मगर हम इस कदर हर दिन बने हजार। तोड़ो मसलो या कि तुम, तोड़ो मसलो या कि तुम, उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल। रहे शाम से सुबह तक मैं का नशा खुमार, रहे शाम से सुबह तक मैं का नशा खुमार,
लेकिन धन का नशा तो कभी न उतरे यार। ज्ञानी हो, अब थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं वो, ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, सर्प सर्प है भले ही मणि है उसके पास। ठीक। और आखिरी जो दोहा मैं सुना रहा हूँ ये मुझे बहुत पसंद है। धन तो साधन मात्र है, वेल हम सभी यहाँ सरस्वती पुत्र है तो धन तो हमारे लिए साधन ही होगा। धन तो साधन मात्र है नहीं मनुष्य का ध्येय, ध्येय बनेगा धन अगर जीवन होगा हे। और शायद यही वो रीज़न थी जैसे डावरा साहब बता रहे थे कि वो अपने पीक पे होने के बावजूद भी फिल्म इंडस्ट्री को शायद मना कर सके, क्योंकि धन नहीं, उनके लिए अध्यापन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो धन ध्येय कभी नहीं रहा था, धन तो साधन मात्र है नहीं मनुष्य का ध्येय, ध्येय बनेगा धन अगर जीवन होगा है, और इसीलिए उनका जीवन कभी है नहीं बन सका। शुक्रिया।